मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस कनेक्शन पर जांच अब आगे बढ़ रही है, तेज हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित केस में संपर्क किया गया है। अब देखिए, जांच लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने कहा जा रहा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया है। और खबर यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित केस में संपर्क किया गया है, कॉन्टैक्ट किया गया है। आरोपियों के बैकग्राउंड को लेकर भी संपर्क किया गया और जानकारी जुटाने की मुंबई पुलिस की कोशिश है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया है मुंबई पुलिस की ओर से। उसको उनको मारा जाता है तो यह इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई को देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा है क्या? यही सवाल अभी उठ रहा है। क्या मुंबई और महाराष्ट्र यूपी और बिहार की तरफ जा रहा है या उसी रास्ते पर चल रहा है, लेके जाने का काम हो रहा है? ये डर हमें सताने लगा है। देखिए, गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने राजीनामा तो कब का देना चाहिए था। अगर थोड़ी भी नीतिमत्ता और नैतिकता की बात हो तो महाराष्ट्र में जो क्राइम रेट बढ़ा है तो उससे यही पता चलता है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अभी चार दिन के बाद में तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। हम उसको मांगकर हमारी जुबान को खराब नहीं करना चाहते, जिनके उनकी नैतिकता का सवाल आता है। मराठी बाबा सिद्दीकी माझे फार चांगले मित्र होते, अनेक वर्ष आम्ही त्यांच्या। तो महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से विजय वडेट्टीवार को आपने सुना, वो सीधे सीधे सीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर, ये कहा जा रहा है। जब सरकार में जो पार्टी शामिल है उसके बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो फिर आम लोग महाराष्ट्र में कैसे हैं सुरक्षित, ये सवाल पूछा जा रहा है। आरोपियों ने कुर्ला में घर लिया था किराए पर, ये जानकारी सामने आ रही है। जो शूटर्स थे उन्होंने किराए पर घर लिया हुआ था कुर्ला इलाके में। 2 सितंबर को किराए पर घर लिया गया था इनकी ओर से। 3 शूटर्स जिन्होंने इस हत्याकांड को कल अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट है। आरोपियों ने कुर्ला में किराए पर घर लिया था, ये जानकारी सामने आ रही है। और 2 सितंबर से ये वहीं पर घर लेकर कुर्ला इलाके में रह रहे थे। मृत्युंजय मेरे साथ इसी पर जुड़े हुए हैं और जानकारियों के साथ। मृत्युंजय, अब क्या जानकारी है इस पूरे के मामले में? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, ये कल शूटआउट के बाद जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जब उनसे पूरी रात भर पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई और उसी में उन्होंने खुद सामने से आरोपियों ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। इन आरोपियों के बारे में और बैकग्राउंड पता किया गया तो पता चला कि ये दोनों आरोपी कुर्ला इलाके में रहते थे। 2 सितंबर को यहाँ कुर्ला इलाके में रहने आए थे और एक किराए के मकान में रहते थे। उस किराए के मकान का किराया 14,000 रुपया, 1 महीने का किराया भी उन्होंने अदा किया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। और 1 महीने पर रहने के बाद वो कुर्ला से, वो उन्होंने मकान मालिक को कहा था कि वो नौकरी की तलाश में आए हुए हैं और जल्द ही मुंबई में नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरे शहर चले जाएंगे और 14,000 रुपए के किराए देकर कुर्ला में रहते थे। आपको बता दें कि ये जो दोनों आरोपी हैं, शूटर्स पकड़े गए हैं, एक हरियाणा का रहने वाला है और एक यूपी का रहने वाला है। जो यूपी का आरोपी रहने वाला है वो बहराइच जिले का बताया जा रहा है या बहराइच कनेक्शन सामने आ रहा है। इसीलिए मुंबई पुलिस, अब महाराष्ट्र पुलिस है ही सतर्क, इसके अलावा राज्य की अन्य, देश के अन्य राज्यों पुलिस के संपर्क में है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद ली जा रही है, साथ ही साथ हरियाणा और यूपी पुलिस की भी मदद ली जा रही है। दरअसल इन आरोपियों का बैकग्राउंड चेक करना है, इन आरोपियों के गैंग्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है, इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हासिल करनी है और क्या उन राज्यों में, हरियाणा और यूपी में भी इनके ऊपर इस प्रकार के हत्या के केस या ऐसे गैंग के मामले दर्ज हैं जिसमें ये कभी पकड़े गए हो, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम मुंबई आएगी और संयुक्त रूप से इंटरोगेशन करेगी। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन दोनों ही आरोपियों ने खुद सामने से लिया और कहा कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के लिए हम काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हथियार देने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि हत्याकांड यानी कल शूटआउट के पहले घटनाक्रम जो अभी हुआ है वो पैटर्न भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिन मामलों में इससे पहले भी शामिल रहा है पैटर्न भी वही है, और इसीलिए भी अब दोनों ही जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि वो खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं।